वालेकुम सलाम। क्या हालात है कारोबारी? कारोबारी हालात आपके सामने बैठे हैं तमाम लोग आराम से। spoon.com जिसको कहते हैं हम अपनी जुबान में spoon.com। हाँ spoon.com नहीं है पे। हाँ तो कारोबारी हालात आपके सामने, महंगाई ने हर बंदे की कमर तोड़ी हुई है। आपके सामने ये आटा चीनी पेट्रोल जब कल से 20 रुपये बढ़ा है, हर चीज़ के रेट ऊपर चले गए। अच्छा एक वक्त था, मैं पहले भी तकरीबन आज से 7-8 साल पहले बहावलपुर में बड़ा रश था जी। आप जिस दिन भी आते चाहे फ्राइडे हो, बड़ा रश होता था मार्केट्स में। अब क्या ये? अब सिचुएशन ये है कि पहले 80% था, तो अब ये समझ लें आप 20% पे आ गया काम महंगाई की वजह से। क्योंकि गरीब आदमी को सबसे पहले अपनी ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें चाहिए, उसमें आटा है आपका ठीक हो गया, घर का राशन है, और उससे ज़्यादा आप बिजली के बिलों ने मार मार दी गरीब बंदे को। कितना आया बिल? बिल अभी तो आएगा, देखें अभी वापडा वाले अपनी रिटर्न ऊपर रीडिंग ऊपर कर रहे हैं। आप देख नहीं रहे, आप रोज़ाना की बुनियाद पर अब रीडर जो आ रहा है रीडिंग 8 दिन 10 दिन ऊपर करता है, वो जो नोट ऊपर चले जाते हैं हर बंदे ने। अब आप व्लॉग पे चेक कर रहे हैं कि तंग आया हुआ हर बंदा। जो 15-20 हज़ार पे तो मामूली सी बात है, आम घर में जिन घर में पंखा चलता है, कूलर वगैरह भी नहीं, एसी भी नहीं है। अब गरीब बंदा जिसकी सैलरी 35-40 हज़ार होगी, 30 हज़ार होगी, तो वो तो गया, वो राशन कहाँ से पूरा करेगा, अपना घर की बच्चों की फीसें पूरी कहाँ से करेगा, बिजली का बिल कहाँ से पूरा करेगा। ये तो आपकी एक्स्ट्रा ज़रूरत की ज़िंदगी में आती है कि आप शॉपिंग जो है ये फिर एक्स्ट्रा जो मिडिल क्लास सबका है उसकी एक्स्ट्रा ज़िंदगी की शॉपिंग है कि अगर एक्स्ट्रा पैसे होंगे तो शॉपिंग आगे करेगा, नहीं तो अदरवाइज होती है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, असर पड़ा? देखिए उसका असर ये होता है कि आपको फ़ौरन तो नहीं होता लेकिन कुछ टाइम लगता है। अब जैसे आप ट्रैवल करेंगे तो आपको टिकट वाला कहेगा भाई पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। आप कुछ चीज़ खरीदने जाएंगे तो कहेंगे